आप लोग जंगल राज चिल्लाते थे, अब आपके ही राज में गुंडा राज आ गया। दिन दहाड़े नेता के पिता की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि जंगल राज 10 साल से आपके केंद्र में भी सरकार है, अभी आप लोग यहाँ भी सरकार में है, तो फिर क्या गलती? प्रधानमंत्री गुजरात के लिए बहुत सोचते हैं, आप कुछ भी देखें नया वो गुजरात में ही स्थापित होता है, बिहार की तरफ कब देखेंगे? एक शासिका भी हुआ करती थी महिला, श्रीमती इंदिरा गांधी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं। नेता के पिता की दिन दहाड़े हत्या हो गई, तो नेता के पिता की हत्या हुई, हम शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन नेता तो स्वयं कहते हैं कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। देखिए अभी हमारी मौजूदगी जो है वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में है, और बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो है कार्य समिति की बैठक है, और बिहार के जिले के लगभग सभी जो कार्यकर्ता है, जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। बाकी मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पर आज बातचीत होगी, जो अंदर हॉल में है वो भाषण चल रहा है, और हमारे साथ जो है बहुत ही सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, बीजेपी कार्यकर्ता है, उनसे पूछेंगे, नेता है, उनसे पूछेंगे कि आज बड़ा खास दिन है आपके लिए, क्या कहिएगा इस पर, किस मुद्दे पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा? इस पे विशेष करके महिलाओं के मुद्दे पे विशेष जोर दिया जा रहा है कि पहले किसी भी क्षेत्र में महिला नहीं रहती थी, और जब से हम लोग बीजेपी का सरकार आया, केंद्र में आया, राज्य में आया, तो महिलाएं समिति भी बनती है, महिलाएं मुखिया भी बन रही है, महिलाएं विधायिका भी बन रही हैं। बीजेपी से पहले क्या बिहार में मुखिया नहीं बनती थी? नहीं बनती। राजद वाले कहते हैं कि लड़की हमारी क्या पुलिस में नहीं आती थी? आरक्षण कम था उस समय, कम था, अभी ज़्यादा हो गया, लेकिन थी, ऐसा नहीं। हाँ लेकिन थी, हाँ लेकिन अभी ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा है। चलिए नारी शक्ति को अभिवादन करते हुए, बहुत ही नारी शक्ति जो है यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे क्या मुद्दा रहेगा आज का विशेष। देखिए आज जो विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसमें सहभागिता का सुअवसर मुझे भी मिला। एक खुद में साबित करता है कि मोदी जी के राज्य में महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं। एक तरफ स्त्री सशक्तिकरण की बात है, बेटियों को उड़ान देने की बात है, और दूसरी तरफ देश के सर्वांगीण विकास की बात है। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग के 10 वर्षों में देश के स्वरूप को बदलते हुए देखा। एक तरफ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र को उनके भव्य भवन में स्थापित किया गया, वहीं दूसरी तरफ 33% रिजर्वेशन के तहत नारी शक्ति बंधन अधिनियम को भी लाया गया। बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग, क्योंकि हमारे देश में एक शासिका भी हुआ करती थी महिला, श्रीमती इंदिरा गांधी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो आज हम वस्तुतः सच में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम मोदी जी के शासनकाल में। विपक्ष कह रहे हैं कि आप लोग जंगल राज चिल्लाते थे, अब आपके ही राज में गुंडा राज आ गया। दिन दहाड़े नेता के पिता की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि जंगल राज। बीजेपी वालों का ये एक आरोप है बीजेपी वालों पर कि जब भी कोई उनसे पूछा जाता है अभी वर्तमान के बारे में, तो वो पहले की कहानी बताने लगते हैं। क्या ये लगता है कि सच है? ये वीजारोपण किया हुआ राजद का है। अच्छा, 2005 के पहले बिहार में भय, यही बात है, 2005 को आप लोग गिनवाने लगते हैं, भय, भूख और भ्रष्टाचार का जो माहौल स्थापित किया उन्होंने, और जो वीजारोपण किया है उसका समूल नाश करने में थोड़ा वक्त लगता है, और इसका समूल नाश करके ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता या सरकार दम लेंगे। 10 साल से आपके केंद्र में भी सरकार है, अभी आप लोग यहाँ भी सरकार में है, तो फिर क्या गलती? 10 साल के बदले हुए परिदृश्य को आप देखिए, आज हम 10 साल में भारत का जो वैश्विक पटल पे जो उत्थान हुआ है और विश्व में जो छवि बनी है उसका आकलन, इवैल्यूएशन आप इससे कर सकते हैं कि आज जब G20 की बैठक होती है तो अमेरिका के सोशल मीडिया पे लिखा जाता है मोदी इज किंग ऑफ कंसेंसस, मोदी इज मोमेंट। बस इससे खुश होने की बात नहीं है, हम उस दौर को भी देखे हैं जब वैक्सीन जैसा चीज अगर कुछ विश्व में बनता था तो जो देश बनाता था वो हमारे भारत की झोली में भिकमंगा समझ के डालता था। सबसे पहले वो अपने देश को देता था, अपने मित्रों को देता था, और अंततः वो भारत में देता था। ये तो राजनीति की बात हुई ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है वो आप ही के राज शासन में बढ़ रहे हैं। हम आज विश्व में 5वीं इकोनॉमी बन के बैठे हुए हैं, जो कभी 5 फ्रेगजाइल में हुआ करते थे। 5 ऐसे फ्रेगजाइल इकोनॉमी जब कब ध्वस्त हो जाए भारत की इकोनॉमी, इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हम 5 फर्म इकोनॉमी में बन के बैठे हुए हैं। ज़रूरत है इवैल्यूएशन का, आप बायस्ड होकर नहीं सोचे, देश के हर पहलू के विकास को देखें और हर तरह के चीज़ों पे नज़र डालें। जैसे प्रधानमंत्री गुजरात के लिए बहुत सोचते हैं, आप कुछ भी देखें नया वो गुजरात में ही स्थापित होता है, बिहार की तरफ कब देखेंगे? प्रधानमंत्री जी सिर्फ गुजरात के लिए नहीं देखते, आप अपने मुख्यमंत्री के लगाना देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री हैं। हम लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग यहाँ भारत के भी टुकड़े करने की आवाज़ उठा देते हैं, तो उस
चश्मे से आप नहीं देखिए, प्रधानमंत्री भारत के एक एक नागरिक के लिए सोचते हैं। आप गीता का अध्याय 13 जाकर देखिए, जहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे पूरे सृष्टि को मैंने 4 वर्ण में बांटा है, जाति में नहीं, वर्ण में, और वर्ण कर्म और गुण के आधार पर होता था। उसी पैटर्न पे, सिमिलर, बिल्कुल उसी तरह से आज हमारे प्रधान सेवक 4 जातियों में पूरे भारत को बांटे हैं, और वो 4 जाति है गरीब, महिला, किसान, युवा। इसलिए प्रधानमंत्री जी का ध्यान या उनका नजर पूरे भारत पे है। पांचवा जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं बेरोजगार भी उसमें शामिल कर लीजिए। विपक्ष धर्म का पालन करना है, कुछ भी कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर नूतन सिंह, शिवहर, शिवहर से आई हूँ, शिवहर, शिवहर जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं, और पेशे से चिकित्सक हूँ जी। और भी लोग हैं, और भी क्या कहिएगा? 15 मिनट। महिलाओं के लिए क्या खास है? महिलाओं के लिए खास ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो है मोदी जी का एक तरफ से भक्त बन गई है, मोदी जी की भक्त बन गई जी। अच्छा। क्योंकि मोदी जी के राज में हम लोग बहुत ही अच्छा फील करते हैं, हर क्षेत्र। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक भी जुड़ गए हैं। आज क्या खास होने वाला है? बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए। निश्चित रूप से बड़ा दिन है, और भारतीय जनता पार्टी विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जहां देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और देश के प्रतीक नेता और बिहार का प्रतीक नेता, जिसने देश को आगे बढ़ाने के लिए और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के पद पे आसीन करने के लिए कार्य किया, सबके लिए धन्यवाद ज्ञापन है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2.5 से 3 महीने तक आप सभी ने और हम सभी ने मिल करके किस तरीके से आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हमने अपनी बिहार की यशस्वी जनता के स्वर्णिम भविष्य को बचाने के लिए लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप के लिए हमने किस प्रकार से कार्य किया, ये पूरे बिहार ने देखा है। तो आज सभी कार्यकर्ताओं का एक अभिनंदन समारोह है, सभी कार्यकर्ता अपने शब्दों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उज्ज्वल भविष्य और देश के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे फिर दोहराऊंगी, राजद वाले कल आंकड़ों के साथ बता रहे थे कि आप उनके राज में कितना जो है जंगल राज जो आप कहते हैं वो हुआ था, हत्याएं हुई थी, और आपके राज में क्या हुआ? कह रहे थे हमारे राज में जंगल राज का आरोप लगता है, आपके में तो गुंडा राज हो। देखिए, राजद गुंडा पार्टी है, ये स्पष्ट आरोप आप पर लगा। वही मैं बता रहा हूँ ना, गुंडा पार्टी दूसरों को गुंडा बोल रही है, और क्या कर रही है? राजद गुंडा पार्टी है, राजद का के जितने कार्यकर्ता हैं ज्यादातर उसमें गुंडों का एक तरीके से खोज के गुंडा भर्ती प्रतियोगिता चलती है, जो कि राजद में होता है। और पूर्व में भी आपने देखा होगा कि राजद में किस प्रकार से, राजद के काल में तो मंत्री की हत्या हो जाती थी। राजद के कम से कम, हम तो वॉशिंग मशीन का काम करते हैं ना, हम तो धोते हैं ना, समाज की गंदगी को धोने का काम करते हैं, ये तो करते हैं ना। समाज में गंदगी फैलाने का काम तो लालू जी करते हैं, ये तो बता दीजिए ना। जो आदमी भैंस का चारा चोरी कर ले, वो आदमी और क्या कर सकता है? दिन रात अंबानी अडानी को गाली देते थे, पूरा खानदान उठ के चले गए वहाँ पे। किस लिए गए थे? पत्ता उठाने गए थे, ये तो जवाब देना। न्योता मिला था तो चले गए, इतना जो भ्रष्टाचारी थे लोग तो क्यों गए थे? बहुत पूछना है ना, इनसे पूछिए ना जा करके, इन लोगों से। राजनीतिक कटाक्ष अलग है, लेकिन तो राजनीति में है, अंबानी जी राजनीति में है, नहीं नहीं वो राजनीति में है, वही तो पूछ रहा हूँ ना। पारिवारिक, जिस जो आदमी पारिवारिक संबंधों का नहीं हुआ वो दूसरा का हो सकता है क्या? ये भी तो सोच लीजिए ना। जो आदमी, जब पारिवारिक संबंधों की बात होती है, जो लोग पारिवारिक संबंधों के नहीं हो सकते हैं तो दूसरे के हो सकते हैं क्या? वो देश के हो सकते हैं क्या? बिहार के हो सकते हैं क्या? बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का काल किसके समय में? लालू जी के समय में। उनकी लेगेसी को बढ़ा कौन रहा है? तो उनका बेटा तेजस्वी जी, बिल्कुल मिटा तो रहे हैं ना, मिटा तो रहे हैं। इनके समय में तो एक नेता के पिता की दिन दहाड़े हत्या हो गई, तो नेता के पिता की हत्या हुई, हम शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन नेता तो स्वयं कहते हैं कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। अब उनके घर के बगल में उनका कोई दुश्मन होगा तो उसकी जानकारी तो वो बताएंगे ना पुलिस को, पुलिस कार्य करेगी। तो हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रवक्ता थे सुमित शशांक, उनका कहना है कि जो विपक्ष हमेशा हम पर आरोप करते रहता है, कटाक्ष करते रहता है, सबसे ज़्यादा उनके जो है राज में ही हत्याएं हुई है, बलात्कार हुआ है, वो हम पर उल्टा आरोप ना लगाए, खुद पर देखें। बाकी जो बात करें बीजेपी की, तो यहाँ आज कार्य समिति की बैठक है, और लगभग बिहार के हर जिले के लोग हैं जो कार्यकर्ता आए हैं, उनका अभिवादन होना है और कई मुद्दों पर बातचीत होगी।